टू आवर YouTube चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 8.1 को डिस्कस किया है। 8.2 में आपको दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे फॉर स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, आपको स्पेसिफिक एंगल दे रखे और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक बताने हैं। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम से जो वैल्यूज फाइंड आउट की है, अब हम उनका एंगल से फाइंड आउट करोगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे स्पेसिफिक एंगल के लिए सारे थीटास की वैल्यू देखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, ये थीटा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा का रिवर्स होता है कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। आपको सिर्फ एक थीटा की वैल्यू लर्न करनी है, जैसे साइन थीटा जब 0 डिग्री पर होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री पर होती है इसकी 1/√2, 60 पर होती है √3/2 और 90 पर होती है 1। ये आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है। बस साइन थीटा की जो भी वैल्यू आ रही है उसको रिवर्स लिखेंगे, जैसे यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे तब वो कोस थीटा की वैल्यू बन जाएगी। जैसे यहाँ से लिखूंगा तो 1, ये बन जाएगा आपका √3/2, ये बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा 1/2 और ये 0, ये आ गई कोस थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला, इसका मतलब साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर अब मैं कोस थीटा की वैल्यू का डिवाइड दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा की। तो 0 के अंदर 1 का डिवाइड दिया तो ये क्या बन गया आपका 0, 1/2 के अंदर √3/2 का डिवाइड दिया तब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू दोनों लेनी है, जैसे ऊपर क्या है ये 1 तो डिवाइड में, यहाँ पर ऊपर क्या है √3 तो ये 1/√3, 1/1 तो ये क्या बन गया 1, √3/1 तो ये बन गया √3, 1/0 तो ये क्या होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइनेट, ठीक है। अब आपको पता है टेन थीटा का जस्ट जो वैल्यू आ रही है उसको वहां से स्टार्ट करो, लास्ट से यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो, तो ये बन गया आपका इन्फिनिटी, ये बन गया आपका √3, ये बन गया 1, ये बन गया 1/√3 और ये बन गया 0। अब आपको पता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हमें पता है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगा उसका रिवर्स करेंगे तब अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कोसेक थीटा की। तब साइन थीटा की वैल्यू 0 पर, 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू 0, तो 0 का जस्ट रिवर्स क्या होता है इन्फिनिटी, या फिर आप इसको लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का रिवर्स क्या बन गया 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स 2/√3 और 1 का रिवर्स क्या बन गया 1। और जो कोसेक थीटा की जो भी वैल्यू आ रही है उसको जस्ट हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे वापस, 1 ये बन गया 2/√3, ये बन गया √2, ये 2 और ये आपका बन गया इन्फिनिटी। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल बन गए, ये आपको लर्न रखने हैं और ये टेबल आपकी बेसिक सी रहेगी, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है आपको इवेल्युएट द वैल्यू, आपको निम्न के मान निकालने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फर्स्ट दे रखा है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, तो ये आपको क्वेश्चन में वैल्यूज याद होगी। तो साइन 60, तो अभी हमने टेबल बनाई थी, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, ये मल्टीप्लाई में कोस 30, आपको पता है कोस 30 किसके इक्वल होता है साइन 60 के इक्वल होता है, तो कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी क्या है 1/2, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या बन गया आपका 3, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बन गया आपके पास 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इनका एलसीएम आउट किया एलसीएम क्या बन गया 4, 3 प्लस 1 ये बन गया 4/4 यानी 1, ये वैल्यू देगा आपको फर्स्ट के आंसर। सेकेंड में आपको देगा 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो आपको 2 ये मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30, तो कोस 30 आपका क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या बन गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4, तो ये √3/4 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 1 2 ये आपको आंसर देगा 2, ये आंसर देगा 2। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है cos 45 अपॉन sec 30 अपॉन cosec 30, तब आप यहाँ पर वैल्यू cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 30, cos 30 किसका रिवर्स होता है आपको पता है sec 30 cos 30 का रिवर्स बनेगा, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा 2/√3, ठीक है, प्लस
कोसेक 30, तो कोसेक 30 किसका रिवर्स होता है साइन 30 का, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका रिवर्स करोगे 2, तो 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इसका मतलब नीचे की तरफ क्या हो रहा है आपका एलसीएम हो रहा है, तो ये बना 1/√2, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया आपका एलसीएम बन गया √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन गया 2 प्लस ये √3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये बन गया 2√3। फोर टर्म बन गई, फोर टर्म का मीनिंग हो गया फर्स्ट और फोर टर्म आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, सेकेंड और थर्ड आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ √3, ठीक है √3 ये 2√ किससे मल्टीप्लाई हो गया उससे, तो √2 किससे मल्टीप्लाई हो गया आपका 2+√3 से, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो ये बन गया √3, इससे मल्टीप्लाई किया ये बन गया 2√2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा √3 से, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रूट में कुछ वैल्यू है तो ये क्या बन गया आपका 2√6, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, √3 इसको मैं पहले की तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू हाईएस्ट है 2√2, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी रूट में आ रही है, तो रूट में आ रही है इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी हर का परमेकरण करना पड़ेगा। हर का परमेकरण ये रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो भी वैल्यू आपके डिवाइड में है उसका अपोजिट साइन से आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2√6 माइनस अपोजिट साइन से, प्लस है तो प्लस का अपोजिट साइन माइनस 2√2, एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन रूल यानी हर का परमेकरण क्या कहता है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमेशा नीचे क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 किससे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से होगा, तो ये यहाँ पर रूट में वैल्यू है और यहाँ पर भी रूट में वैल्यू है, इसका मतलब √3 किससे मल्टीप्लाई होगा √6 से, तो 2 तो एज इट इज है √3 मल्टीप्लाई √6, तो ये क्या बन गया √18 माइनस, यहाँ पर रूट में वैल्यू, यहाँ पर रूट में वैल्यू 2√3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या बन गया आपका 6, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो ये बना a प्लस बी और ये बना आपका a माइनस बी, ये आपका क्या फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो a की वैल्यू क्या आपकी 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दे देंगे 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिख सकते हो 2√18 को आप क्या लिख सकते हो, √18 को आप क्या लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई बाय √6 माइनस 2√6 डिवाइड बाई, ठीक है 2 का स्क्वायर किया कितना बन गया 4 और 6 का √6 का स्क्वायर कितना होगा आपका ओनली 6 माइनस इस 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 4 और √2 का स्क्वायर कितना बन गया आपका 2, ठीक है। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो 2√6 कॉमन ले सकते हो, तो 2√6 कॉमन ले लिया मैंने, 2√6 कॉमन ले लिया, तो यहां पर आपका क्या बचा 2√6 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा ओनली √3, 2√6 पूरा कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा आपका 1, ठीक है। अब आपको 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 कितना बन गया 24 माइनस ये कितना बन गया 8, तो ये कितना बन गया आपकी वैल्यू क्या दे रखा 2√6, ये बन गया √3 माइनस 1 और ये आपको कितना बन गया 16, तो 2 की टेबल में ये कितने टाइम आ गया 8 टाइम, तब आप इसको क्या लिख सकते हो √6 √3 माइनस 1 अपॉन 8, ये आप इससे लिख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। रखा आपको साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 कोस 60 और कोस 45, तो ये सारी वैल्यूज आपको रखनी है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या बन गया आपकी 1/2 प्लस 10 45, तो ये बन गया 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 किसका होगा साइन 60 का रिवर्स होगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रिवर्स किया तो ये क्या बन गया 2/√3, इस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या लिख लूं मैं 1, sec 30 तो sec 30 किसका होता है cos 30 का रिवर्स होता है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रिवर्स किया गया ये बन गया 2√3 प्लस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 और cot 45 की वैल्यू क्या बन गई 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, यानी एलसीएम ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसका मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 2√3, ठीक है। अब यहां पर आपका देखो 2 का डिवाइड दिया 2√3 में, तो जिसका डिवाइड दो उसके ऊपर अंगुली रख दो, ये रहा पीछे क्या बचा आपका √3 किससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो ये बन गया √3 प्लस 1 का डिवाइड दिया, तो यहाँ तो 1 का डिवाइड दोगे तो ये आएगा 2√3 वापस मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो ये बन गया 2√3, ठीक है। साइन किसका है माइनस, √3 का डिवाइड दिया 2√3 में, √3 का डिवाइड दिया इसका मतलब √3 को हटा दो, पीछे क्या बचा 2 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया आपका 4, ठीक है अपॉन
यहाँ पे भी एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, टू रूट थ्री, टू रूट थ्री, तो रूट थ्री का डिवाइड दे रहे हो, जिसका डिवाइड दे रहे हो यहाँ अवेलेबल है तो अवेलेबल है, तो इसके ऊपर अंगुली रखी, पीछे क्या बच गया आपका टू, टू मल्टीप्लाई टू की तो बन गया आपका फोर, प्लस टू का डिवाइड दिया तो टू का डिवाइड दिया तो पीछे क्या बच गया रूट थ्री, रूट थ्री वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रूट थ्री, प्लस वन का डिवाइड दिया टू रूट थ्री में तो टू रूट थ्री, ये वापस वन से मल्टीप्लाई हुआ तो टू रूट थ्री, तो ये फोर टर्म बन गई, फर्स्ट और फोर्थ आपस में मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड और फोर्थ क्या है एज इट इज है तो इसको कट कर लिया तो ये आपका बन गया ठीक है रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर, और ये आपको रीअरेंज कर रहा हूँ मैं ठीक है, तो ये रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस फोर ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ से आपको स्टार्टिंग में क्या कॉमन आ रहा है रूट थ्री, तो यहाँ से स्टार्टिंग में और यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है रूट थ्री, तो मैं इसको रूट थ्री कॉमन ले लेता हूँ, तो रूट थ्री कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपका क्या बच गया वन प्लस यहाँ पर क्या बन गया आपका टू माइनस फोर ठीक है, रूट थ्री यहाँ पर भी कॉमन ले लिया तो पीछे आपका पूरा रूट थ्री कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया वन प्लस टू माइनस फोर, वन और टू कितने बन गए थ्री, तब इसको आप क्या लिख सकते हो थ्री रूट थ्री, क्योंकि वन और टू कितने बन गया थ्री माइनस फोर, और ये भी क्या बन गया थ्री रूट थ्री प्लस फोर ठीक है। अब यहाँ पर देखो वापस हर में आपका क्या आ गया रूट, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, हर का परमेकरण करना पड़ेगा, यानी जो भी यहाँ पर साइन दे रखा है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे थ्री रूट थ्री ठीक है। अब आप थ्री रूट थ्री मल्टीप्लाई ये क्या है प्लस है तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस ठीक है थ्री रूट थ्री माइनस फोर ठीक है थ्री रूट थ्री माइनस फोर तो ये बन गया आपका मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया आपका देखो ये दोनों तरफ माइनस है इसका मतलब दोनों माइनस है तब इसका फॉर्मूला क्या बन गया दोनों अगर माइनस है तो ये आपका क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्योंकि ये पावर क्या है वन ये पावर क्या है वन तो वन और वन क्या बन गई टू नीचे आपको हमेशा पता है क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने वाला है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ऊपर फॉर्मूला लगाओगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है थ्री रूट थ्री बी की वैल्यू क्या है आपके पास फोर ठीक है ए स्क्वायर तब यहाँ पर फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर तो ए की वैल्यू है थ्री रूट थ्री थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है थ्री रूट थ्री बी की वैल्यू कितनी आपकी फोर ये बन गई फोर ठीक है प्लस बी स्क्वायर तो फोर का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए की वैल्यू क्या है थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर ठीक है थ्री का स्क्वायर कितना बन गया नाइन रूट थ्री का स्क्वायर कितना बन गया थ्री तो नाइन मल्टीप्लाई थ्री ये कितना बन गया आपका ट्वेंटी सेवन ठीक है थ्री का स्क्वायर नाइन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री तो नाइन मल्टीप्लाई थ्री ट्वेंटी सेवन टू मल्टीप्लाई थ्री कितना बन गया सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई फोर कितना बन गया आपके पास ट्वेंटी फोर रूट थ्री ठीक है प्लस फोर का स्क्वायर कितना बन गया आपका सिक्सटीन अपॉन थ्री का स्क्वायर कितना बन गया आपका थ्री का स्क्वायर नाइन रूट थ्री का स्क्वायर कितना बन गया आपका थ्री तो नाइन मल्टीप्लाई थ्री ये कितना बन गया ट्वेंटी सेवन माइनस फोर का स्क्वायर कितना बन गया सिक्सटीन तो ये ट्वेंटी सेवन ये सिक्सटीन इन दोनों को ऐड कर दिया ये कितना बन गया फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर रूट थ्री ठीक है तो ये माइनस क्या आपको पता है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन ये क्या बन गया आपका इलेवन तो डिवाइड क्वेश्चन फाइव में आपको दे रखा है फोर कोस स्क्वायर सिक्सटी प्लस फोर सेक स्क्वायर थर्टी माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव अपॉन साइन स्क्वायर थर्टी और कोस स्क्वायर थर्टी सारी वैल्यूज पुट करो तो फाइव तो ये आ गया तो इसको तो एज इट इज लिखो कोस सिक्सटी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है वन बाय टू का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया प्लस फोर एज इट इज रखोगे क्योंकि आपको सेक थर्टी की वैल्यू लिखनी है सेक थर्टी किसका होता है कोस थर्टी का रिवर्स होगा तो कोस थर्टी की वैल्यू क्या होती है आपको रूट थ्री बाय टू इसका रिवर्स किया तो ये क्या बन गया टू बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टेन फोर्टी फाइव तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन वन का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थर्टी तो साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन बाय टू स्क्वायर है तो स्क्वायर कोस थर्टी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाय टू तो रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर तो ये आपने सॉल्व आउट किया ये बन गया फाइव मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर कितना बन गया वन टू का स्क्वायर कितना बन गया फोर प्लस फोर टू का स्क्वायर कितना बन गया फोर रूट थ्री की वैल्यू क्या बन गई थ्री माइनस वन का स्क्वायर कितना बन गया वन ठीक है वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर कितना बन गया फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री टू का स्क्वायर कितना बन गया फोर इसका मतलब यहाँ पर भी आपको एलसीएम हो रहा है और नीचे भी एलसीएम हो रहा है तो फाइव मल्टीप्लाई वन इसको आप क्या लिख सकते हो फाइव बाई फोर माइनस फोर मल्टीप्लाई ये प्लस फोर मल्टीप्लाई फोर कितना बन गया सिक्सटीन बाय थ्री माइनस वन अपॉन वन के डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन इनका एलसीएम भी कितना आया फोर ये एलसीएम ले लिया मैंने नीचे फोर फोर एलसीएम है तो एज इट इज लिखोगे वन प्लस थ्री ठीक है अब यहाँ पर भी एलसीएम हो रहा है तो इनका एलसीएम कितना बन गया इनका ट्वेल्व
एलसीएम बन गया 12, ठीक है। तो ये क्रॉस 4 की टेबल 12 कितने टाइम है, 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना बन गया 15, प्लस 3 की टेबल 12 कितने टाइम है आपको, 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई बाय ये बन गया 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64, 1 की टेबल में 12 कितने टाइम आया था, 12 टाइम माइनस 12 अपॉन ये कितना बन गया 4 अपॉन 4, ठीक है 4 अपॉन 4 इससे कैंसिल आउट कर सकते हो आप, भले फिर बाद में लिख लेना भाई। तो ये 15 माइनस 12 कितना बन गया 3, तो 3 और 64 कितना बन गया आपका 67 अपॉन 12, ठीक है 4 अपॉन 4, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ टर्म मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई होगी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका 67 अपॉन 12, ये आपका आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन से मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दे रखा है आपको 2 tan 30 अपॉन 1 plus tan square 30, तो ठीक है ये आप यहाँ तो वैल्यू रख सकते हो या एक फॉर्मूला बन सकता है 1 plus tan square theta equals to क्या होता है sec square theta, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो 2 tan 30, तो 30 की वैल्यू, तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, tan 30 क्या होता है sin 30 अपॉन cos 30, cos 30 यानी अपॉन बन गया 1/√3, 1 plus tan 30, tan 30 का स्क्वायर तो 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया 2√3, 2 मल्टीप्लाई 1 ये बन गया 2, ये बन गया 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना बन गया 1 और रूट 3 का स्क्वायर बन गया 3, ठीक है। आपने एलसीएम आउट लिया तो एलसीएम क्या बन गया आपका 3, तो ये बन गया 2√3, ठीक है। इनका एलसीएम क्या बन गया 3, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 × 3 प्लस 1 × 1, तो ये क्या बन गया 2 × 3, ये कितना बन गया 4 × 3, तो फर्स्ट और फोर्थ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड और थर्ड क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 2 × 3 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 × 2, 2 की टेबल में कितने टाइम कट गया ये 2 टाइम। अब इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, इस 3 को आप क्या लिख सकते हो रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, ठीक है। तो 3 की जगह पर आप पुट अप करोगे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो 1√3 से ये रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, ये कैंसिल आउट हो गया 1, और यहाँ पर आपका क्या बचा रूट 3, तो रूट 3 डिवाइड में आपका रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया पीछे रूट 3 बाय 2, ठीक है। और आपने अगर फॉर्मूला पुट अप किया, ठीक है, तो सेकंड क्या मेथड बना अपना, तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या आपके पास 1/√3, 1 plus tan square theta, 1 plus tan square 30 है, तो 1 plus tan square theta equals to क्या होता है sec square theta, यानी sec 30, यानी आपको sec 30 की वैल्यू रखनी है, तो sec 30 क्या होता है cos 30 का रिवर्स, तो cos 30 यानी cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई रूट 3 बाय 2, ठीक है, ये होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है 1 plus tan square theta equals to sec square theta, sec 30 की वैल्यू आपके पास बन गई, sec 30 की वैल्यू बन गई 2 by root 3। अब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2√3 by 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना बन गया 3, तो ये आपने फर्स्ट और फोर्थ बन गई, तो ये बन गया 2 multiply by 3 √3 multiply by 4, तो यही कैंसिल आउट हो गया 2 × 2, 2 की टेबल 2 टाइम रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 multiply √3, 1√3 से 1√3 कट गया, तो आपका यही वैल्यू दे रहा है √3 by 2, ये सेकेंड है 1 minus tan square 1 plus tan square, तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 1 minus tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 plus tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर, तो 1 minus 1 का स्क्वायर कितना बन गया 1, 1 plus 1 का स्क्वायर बन गया 1, तो 0/2 यानी आपका वैल्यू क्या देगा आपको 0 देगा, ठीक है, ये वैल्यू देगा सेकेंड की क्या देगा 0। थर्ड में आपको दे रखा है sin 2a = 2 sin a, ठीक है, आपको ये वैल्यू पुट अप करनी है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो साइन यहाँ पर वैल्यू क्या है 2a की 2 थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है a, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपको थीटा की वैल्यू अगर डिफरेंट है 2a और a, तब वो वैल्यू हमेशा किस पर होगी 0 पर होगी, तो अगर साइन 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री पर साइन 0 हमेशा क्या देगा 0, तब इसका मतलब साइन 2 0 डिग्री होगा तो आपका मतलब 0 डिग्री पर ये भी वैल्यू क्या देगा 0, और ये साइन है ये भी वैल्यू क्या देगा 0, 0 = 0, यानी साइन 0 एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर ये वैल्यू क्या देने वाला है इक्वल देने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसी का सेकंड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है आपको 2 tan 30 2 tan 30 1 minus tan square 30 1 minus tan square 30, ठीक है, तब आप वैल्यू पुट अप करोगे 2 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या बनेगी, tan क्या होता है आपको sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तब आपको पता है sin 30 की वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली पता है तो 1/√3, 1 minus tan 30 तो 1 minus tan 30 यानी आपको पता है
1 माइनस टेन 30 की वैल्यू, तो ये बन गया 1 अपॉन रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, ये क्या बन गया 2 बाय रूट 3, और ये क्या बन गया 2 बाय रूट 3, ये क्या बन गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना बन गया 1, रूट 3 का स्क्वायर कितना बन गया 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम लोगे तो ये बन गया 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3, इनका एलसीएम कितना आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये बन गया 3 माइनस 1, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है 2 रूट 3, 2 रूट 3 बाय ये कितना बन गया 2 अपॉन रूट 3, ये रूट 3, ठीक है। ये बन गया आपको फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होगा सेकंड और थर्ड, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 3 को आप क्या लिख सकते हो रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, इस 3 को मैंने लिखा है रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ये मल्टीप्लाई बाय 2, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पीछे आपका क्या बचा है रूट 3, ये वैल्यू देगा आपको, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको दे रखा है टेन ए प्लस बी इक्व टू रूट 3 और टेन ए माइनस बी इक्व टू 1 अपॉन रूट 3, फिर आपको ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है टेन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू ये रूट 3 दे रखा है। अब आपको पता है टेन की वैल्यू रूट 3 कब होगी, जब कितने डिग्री पर होती है, अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग चले तो टेन ठीक है, यहाँ पर टेन वापस पुट कर रहा हूँ क्योंकि रूट 3 किसके अकॉर्डिंग दे रखा है टेन के अकॉर्डिंग, तो टेन रूट 3, तो टेन रूट 3 आपको पता है टेन कब होती है, जब टेन की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, तो रूट 3 की जगह पर लिखोगे ये टेन लिखा है तो यहाँ पर भी टेन ही लिखोगे, ठीक है। रूट 3 कितने डिग्री पर होता है 60 पर, यहाँ पर लिखा है टेन ए माइनस बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर टेन लिखा इसका मतलब मैं टेन ही लिखूंगा। अब अपन 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू देखनी है, तो 1 अपॉन रूट 3 पर कितनी होती है 30 पर होती है, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 से 10 है कैंसिल आउट हो गया, तब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर b के देखो अपोजिट साइन ऑलरेडी है, इसका मतलब अपोजिट साइन किसी का एक होने पर आपको क्या करोगे हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड ऐड करोगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी अपोजिट साइन है, तो ऐड करोगे तो ये क्या बन गया a और a कितना बन गया 2a, ऐड करोगे तो ये प्लस b माइनस b ये कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 60 और 30 कितना बन गया 90, तो a इक्वल टू क्या बन गया ये 2 मल्टीप्लाई में वहां आपने शिफ्ट किया ये कितना आ गया डिवाइड में, तो ये a की वैल्यू क्या बन गई आपके पास 45। अब a की वैल्यू क्या करो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर लो, तो इक्वेशन नंबर a इक्वल टू 45 पुट किया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तब a की वैल्यू क्या 45 प्लस b इक्वल टू कितना दे रखा है 60, b इक्वल टू प्लस का 45 वहां शिफ्ट हुआ किसमें हो गया माइनस का 45, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15 डिग्री, ये b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट देने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू आपको दे रखा है साइन a प्लस साइन b, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, एक आपको a और b की वैल्यू पुट अप कर देनी है, तो a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो मैंने सपोज किया a की वैल्यू क्या है 30 और b की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ मैं, a की वैल्यू 0 डिग्री और b की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 30, तो यहाँ पर मैंने किया तो a की वैल्यू 0 प्लस 30 इक्वल टू साइन ए की जगह पर मैं कितना रखूंगा 0 और साइन बी की जगह पर मैं क्या रखूंगा 30, तो साइन 0 प्लस 30 यानी टोटल कितना बन गया 30, साइन 0 तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता कितनी होगी 0 और साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है, ये वैल्यू फर्स्ट के लिए, सेकंड इफ पे तो सेकंड ये करो मैं a की वैल्यू दे रखा हूं मैं 30 और b की वैल्यू दे रखा हूं मैं 45, ठीक है 45 या फिर मैं b की वैल्यू ले लेता हूं मैं आपको 60, ठीक है। तो a की वैल्यू मैंने 30 ली, तो साइन a प्लस b तो a की वैल्यू कितनी है 30 और b की वैल्यू क्या है 60, साइन a की वैल्यू क्या है 30 और b की वैल्यू क्या है साइन 60, तो 60 प्लस 30 ये कितना बन गया साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 1, साइन 30 तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2, इनका एलसीएम आउट किया तो इनका एलसीएम आउट क्या हो गया 2, ये बन गया 1 प्लस रूट 3, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है 1 प्लस रूट 3/2 और ये वैल्यू क्या दे रहा है 1, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट एवरी कंडीशन के लिए क्या सेटिस्फाइड नहीं कर रही, इसका मतलब ये क्या है आपकी फॉल्स है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू इक्वल आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होती तो सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, करेक्ट आनी चाहिए थी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सेकंड की स्टेटमेंट दे रखी है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज व्हेन थीटा इज इंक्रीज, साइन थीटा का मान बढ़ेगा जब थीटा का मान बढ़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट के अगर बोलेगा अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान बढ़ना चाहिए, तो चेक कर रहे हैं। तो साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या बन गया आपका जीरो। साइन 30, तो साइन 30 क्या बन गया 1/2, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो 0.5। साइन 45, साइन 45 को आप क्या लिख सकते हो 1/√2, इसको रेशनलाइजेशन किया ये √2/√2, ये √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 अपॉन क्या बन गया 2, तो ये क्या बन गया अप्रोक्स बन गया 707, ये अप्रोक्स वैल्यू मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यानी इससे तो मोर देन ही है। और साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू बन गई √3/2, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन गया आपका 0.86, ठीक है अप्रोक्स वैल्यू। तो इससे तो ये मोर देन है। तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1, तो इससे ये मोर देन है। हमेशा देखो थीटा जैसे बढ़ रहा है वैसे वैल्यूज भी क्या बढ़ रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगर थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या है करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको कि अगर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी इंक्रीज होगी तो कोस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तब आप इसका अपोजिट करोगे तो आपको पता है कोस इसका रिवर्स बनता है, तो कोस 0 की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, कोस 30 की वैल्यू क्या बनेगी √3/2 और कोस 45 की वैल्यू क्या बनती है 1/√2। तो ये देखो पहले वैल्यू क्या थी 1, फिर वैल्यू क्या आ गई 0.86 और फिर वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0.76। तो ये वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, यानी स्टेटमेंट नंबर 3 आपका फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर सारी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है इंक्रीज नहीं हो रही। तो क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd का स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4th में आपको दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा 4 और थीटा वैल्यू, तो ये बोल रखा है नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4th में स्टेटमेंट नंबर बोला है कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी इक्वल्स, तो यहाँ पर आप देख लो कोस 30 की वैल्यू, तो मैं 30 पर चेक कर रहा हूँ कोस 30 इक्वल्स टू साइन 30, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू आपके पास पता है क्या होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये इक्वल है क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 4 भी क्या आपका फॉल्स है, इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने बोला थीटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए जबकि यहाँ पर इक्वल आ नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला स्टेटमेंट कोस ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर बोला है कि कोस ए इक्वल्स टू 0 होने पर ये नॉट डिफाइंड है। आपको पता है कोस 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर कोस की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कोस 0 पर आपको पता है वैल्यू क्या दे रहा है 1, तो ये नॉट डिफाइंड का यहां पर आपको करेक्ट एक वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। उसने बोला कोस ए 0 पर नॉट डिफाइंड है जबकि यहां पर वैल्यू दे रखा है कोस 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 5 भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो ये अपनी एक्सरसाइज 8.2 पूरी फिनिश हुई। थैंक यू सो मच।